यहाँ पर भी एक मैन गेट हो जाएगा और उधर की साइड से भी एंट्रेंस हो जाएगी। वैसे ये बैक साइड है और उधर की साइड से फ्रंट साइड है, तो अभी ये काफ़ी सारे इसमें बांध सेल बन जाएंगे। तो देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है और इसमें काफ़ी सारी काव तो अपनी आ जाएगी। तो अभी मैं फटाफट से इसमें प्लैंक्स लगाने चालू करता हूँ। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। सो हेलो वेलकम बैक गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं रेंच सिम्युलेटर और आज हम अपने रेंच में कुछ और न्यू बिल्ड बनाने वाले हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने अपने रेंच का जो पुराना हाउस था उसको तोड़कर एक नया हाउस यहाँ पर बिल्ड किया था, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर मैंने उसको बनाया था। और आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार अपनी गाँव का एक बड़ा सा बान हाउस बनाया जाए, क्योंकि यार यहाँ पर देखो अपनी इतनी सारी गायें हो चुकी है तो इनको थोड़ा चलने फिरने में भी थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो मुझे एक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक बान हाउस बनाना पड़ेगा और उसमें काफ़ी सारे बान सेल बनाने पड़ेंगे जिसमें हम दो गायें यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन लगा के मैं वो स्पेस कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बनाना है, ठीक है, ये पेड़ बाहर की साइड में कर दूंगा। यार गेम में आए नहीं हम, बारिश पहले आ चुकी है तो मुझे ना ये वाला मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो अपना बान हाउस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पेड़ अंदर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं बुक और ये रहा बान हाउस का फ्रंट पार्ट और इसको मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ पर लगेगा ये थोड़ा आगे करके, ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके तो अभी ये पूरा बिल्कुल फिट यहाँ पर बैठ चुका है, पूरा एकदम लेवल में आ जाएगा। तो अभी ये जितने भी मैंने फाउंडेशन लगाए थे इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटाओ, ओके, और इसको भी हटाओ और ये जो बीच का पार्ट है उसको लगा दिया है। फटाफट से मुझे तैयार करना होगा यहाँ पर। बीच का पार्ट लग क्यों नहीं रहा है, लगना। हेलो अरे क्यों नहीं लग रहा ये, ऐसे यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ओके एक यहाँ पर और एक लगेगा यहाँ पे और एक अबे लगना, ठीक है। ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बान सेल बनाने हैं मुझे, ठीक है। और शायद से यार ये ना मुझे तोड़ना पड़ेगा, पहले ये वाला यहाँ पर ब्लॉक हटाओ, ये लक्कड़ उठा के यहाँ पे रखो। और अभी मैं बना देता हूँ, ये क्या सीन हो रखा है यहाँ पे। हो अपनी जो गाय है वो यहाँ पर डांस कर रही है। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पर फटाफट से लगा दे भाई, ये लगाया मैंने यहाँ पे। और यार ये हटाना पड़ेगा, ये दिक्कत कर देगा काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अंदर की साइड में मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँगा और बाकी का रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़े बहुत ये लगा देता हूँ, पहले ये अंडे उठाओ यार यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा अंडे फैल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके तो चलो मैंने ये तो बना दिया। और यार मुझे ये वाला जो मुर्गी का हाउस है, चिकन कोप है, ये भी तोड़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फटाफट से। वैसे इसको तोड़ा देखेंगे यार, अगर ये टूटेगा तो मैं इसको तोड़ दूंगा, दूसरा बना लेंगे, लेकिन बान हाउस यहाँ पर बनना चाहिए। तो मुझे अभी फटाफट से ये लगानी पड़ेंगे यहाँ पर प्लैंक्स और ये कर देता हूँ मैं ये सारे कंप्लीट, ठीक है। दो रह चुकी है, अभी फटाफट से यहाँ पर एक और उठाते हैं और इसको भी कर देता हूँ कंप्लीट। ये सारी मुर्गियाँ यार इधर चली जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे ना यहाँ पर एक गेट लगाना पड़ेगा, एक काम करते हैं यहाँ से मैं इसको हटाकर एक गेट लगा सकता हूँ, लेकिन वो गेट यहाँ पर बीच में भी मैं लगा सकता हूँ। तो पहले ना ये सारी मुर्गी उठाओ भाई यहाँ से, ये सारी मुर्गी उठा के पहले यहाँ पर रखते हैं, पहले ना मैं ये भी कम्प्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी मैं यहाँ पर कम्प्लीट कर देता हूँ, जाओ 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 जल्दी भगो यहाँ से, फिर मैं इसको करने वाला हूँ बंद। जाओ कोई और आ रहा है, एक और आ रहा है, दो आ रही है, ये मुर्गी भी चली जाएगी, तो उसके बाद इसको करेंगे हम बंद, ठीक है। चलो हटाओ, ये बंद हो चुका है अभी। अभी तुमको मैं फटाफट से उधर की साइड में रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाओ भाई तुम सारे के सारे, यार इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है उधर की साइड में रखने में। ओके तुम भी जाओ, और ये अपना जो हॉर्स है इसको भी मैं वहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा बैक करके और थोड़ा इसको दौड़ा के, ओके चलो ये भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बाहर आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी फटाफट से सारी मुर्गियाँ वगैरह मैं इस साइड में कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये चिकन कूप मुझे तोड़ना पड़ा तो मैं इसको तोड़ दूंगा। ओके तो चलो गाइस मैंने यहाँ पर ये सारी मुर्गियाँ उधर की साइड में कर दी है,
और यहाँ पर देखो भाई, इन्होंने कितने सारे अंडे दे रखे हैं और कितने सारे काले अंडे भी दे रखे हैं। वैसे गंदगी वगैरह साफ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो सारे अंडे भी फूट जाएंगे और ये गंदगी भी यहाँ से हट जाएगी, तो ऐसा हम नहीं करने वाले। तो अभी मैं इनकी बास्केट वगैरह लेकर आता हूँ और पहले ये वाला यहाँ से हटाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बास्केट वगैरह लेकर ये सारे अंडे यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा, वरना यार ये सारे टूट जाएंगे तो अपना ही नुकसान होने वाला है। ओके, और ये वाला हटाओ यहाँ से। चलो अब शायद से काम बन सकता है और शायद से मुझे ये जो चिकन कूफ है ये नहीं तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है शायद से, उसको मैं उठा देता हूँ वरना यहाँ पर फिर ये लगाने में दिक्कत करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो। यार मैं बास्केट लेकर आता हूँ ना, ये क्या मैं नोबड़े की तरह यहाँ पर एक एक अंडा उठा रहा हूँ। फटाफट से यहाँ पर एक बास्केट उठाते हैं, यार अलग ही सीन कर रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जो अंडे मिलेंगे मुझे वो मैं कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और अभी मैं लगा के देखता हूँ, शायद से अभी लग जाना चाहिए। निकालते अपनी बुक, ये वाला नहीं लगाना यार, ये वाला लगाना है। हाँ ठीक है, अब लग जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चलो यार, ये मुझे हटाना नहीं पड़ेगा, ये वाला जो चिकन कूप है ये मुझे नहीं हटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये हटाने पड़ेंगे। ये आप उनको दिक्कत कर देंगे यार, इनको हटाओ। ये प्लैंक्स वगैरह सारे मैं उठा लेता हूँ, वैसे ये सारे प्लैंक्स इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, इसको हटाओ और ये ब्लॉक वगैरह मैं इधर की साइड में रख देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर ये सारे ब्लॉक वगैरह भी हटा दिया और शायद से यहाँ पर दो तीन अंडे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये नहीं लग रहा होगा। एक बारी मैं तेज निगाहों से, पूरी चील की निगाहों से देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई अंडे वगैरह पड़े होंगे उसकी ही वजह से ये नहीं लग रहा है। ठीक है, शायद से अभी यहाँ पर अंडे वगैरह तो नहीं है, एक बारी लगा के देखते हैं। निकालते हैं बुक अपनी, ये वाला है। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी लग जाना। अबे अब क्या दिक्कत आ रही है यार, हाँ ठीक है लग जाएगा अब। हाँ ठीक है, ओके, और एक लगाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक लगाते हैं हम यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर प्लैंक्स अड़ रहा है, इसको उठा के यहाँ पे रखो और अभी लगाते हैं, अभी लग जाएगा। ठीक है, ये लगाया यहाँ पे। और शायद से यार इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिया है, इतना ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैग का लगा देता हूँ, बैक का ये रहा। वैसे इधर की साइड में मैं फ्रंट ही लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक गेट हो जाएगा तो अपने जो पिग है वो यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। इसको घुमा के मैं लगा सकता हूँ, ओके, ये घूम के लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। यहाँ पर भी एक मेन गेट हो जाएगा और उधर की साइड से भी एंट्रेंस हो जाएगी। वैसे ये बैक साइड है और उधर की साइड से फ्रंट साइड है, तो अभी ये काफ़ी सारे इसमें बांध सेल बन जाएंगे। तो देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है और इसमें काफ़ी सारी काव तो अपनी आ जाएगी। तो अभी मैं फटाफट से इसमें प्लैंक्स लगाने चालू करता हूँ, इसको करते हैं कंप्लीट। लेकिन उससे पहले ये जो ब्लू प्रिंट है इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लगेगा एक डोर, ये वाला नहीं लगेगा यार, पहले मुझे यहाँ पर ये वाला, हाँ ये वाला लगने वाला है यहाँ पर डोर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर साइड में मैं डोर लगा देता हूँ, साइड की डोर ये रहे। ठीक है, एक तो नहीं इधर की साइड में लगेगा। ठीक है, एक तो लगाते यहाँ पे और एक लास्ट में लगेगा। वैसे यार बीच में भी लगना चाहिए था, बीच में लगता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, एक यहाँ पर लगेगा इधर की साइड में, ओके, और यहाँ पर लगेगा अपना बड़े वाला डोर। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर लगेगा ये, ओके, और बीच में मैं बांस सेल बनाऊंगा, उसको हम बाद में बनाएंगे, पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ मैं प्लैंक्स वगैरह लगा के। हाँ ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो यहीं से अपना प्लैंक्स लगाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और यार इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन बनाते हैं फटाफट से। ओके, तो गाइज मैंने ये इतना कंप्लीट कर दिया है और इसमें मेरे पास प्लैंक्स ख़त्म हो चुके हैं शायद से। नहीं, प्लैंक्स तो अपने पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, उधर की साइड में अपने काफ़ी सारे प्लैंक्स पड़े हुए हैं, तो मुझे अंदर चल के लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैं अंदर तो नहीं जा सकता, तो मुझे गेट से जाना पड़ेगा। अपना प्लैंक्स यहाँ पर रखो और एक काम करते हैं, इनका खाना पानी मैं पहले फुल करता हूँ। भाई साहब, इनका खाना पानी तो पूरा खाली हो चुका था, और कोई यार सारे मर जाओ पर मेरा हॉर्स नहीं मरना चाहिए भाई, क्योंकि ये वाला मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसों का खरीदा है, 7000 का ही अकेला ही है। इसकी हेल्थ वगैरह एक बार चेक की जाए तो अभी देखते हैं इसकी हेल्थ वगैरह। भाई ठीक है, इसकी हेल्थ वगैरह तो अभी ठीक है, तो ये नहीं मरना चाहिए। चाहे सारे यहाँ पर मर जाए, बकरी वगैरह, गाय वगैरह और मुर्गी वगैरह, चाहे सब मर जाए, लेकिन अपना हॉर्स नहीं यहाँ पर मरना चाहिए। पानी भी मैं फुल कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से पानी भी फटाफट से फुल करते हैं और एक बारी मैं फिर से यहाँ पर खाना फुल कर देता हूँ। ओके, और एक काम करते हैं यार, अपनी गाड़ी में ना सारे प्लैंक्स एक बारी में भर लेते हैं, तो मुझे बारी बारी प्लैंक्स लेकर नहीं आना पड़ेगा। फटाफट से यहाँ से मैं प्लैंक्स भर लेता हूँ। काफ़ी सारे प्लैंक्स पड़े हुए हैं अपने पास, तो प्लैंक्स वगैरह की तो दिक्कत नहीं होने वाली। तो अभी फटाफट से यहाँ पर ये प्लैंक्स मैं अपनी गाड़ी में सेट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस अपना जो बान हाउस है ना वो बनके कुछ ऐसा दिखने वाला है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। वैसे मैंने नीचे की साइड से तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, बस ऊपर की साइड में यहाँ पर प्लैंक्स लगाना बाकी है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मेटल लगने वाला है। तो अभी फटाफट से मैं दोबारा से प्लैंक्स लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर लगाते हैं। वैसे नीचे से लग जाएगा, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट हुआ, और भाई बारिश देखो यहाँ पर कितनी तेज पड़ रही है। ये कंप्लीट हुआ, और जैसे ही मैं कंप्लीट करते जाता हूँ ये यहाँ पर ये जो स्टेयर्स है ये हटती जाती है, ठीक है, ये हो चुका है। ओके, फटाफट से यहाँ पर प्लैंक्स उठाओ और इसको करते हैं यहाँ पर कंप्लीट। वैसे इसमें 10-12 जो अपने बान सेल है वो तो बन ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लगाया और एक लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे। तो चलो गाइस अपना जो बान हाउस है वो बनके कंप्लीट हो चुका है और ये एक प्लैंक्स बचा है। तो अभी एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मेटल वगैरह तो शायद से पड़ा हुआ है, तो मेटल यहाँ लगाते हैं। इसमें लगने वाला है 16 मेटल, नहीं शायद से 3 मेटल ये लगने वाला था, ठीक है, और बाकी का प्लैंक्स लगेगा। और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इस वाले गेट में, यहाँ पर लगेगा 1 मेटल और प्लैंक्स लगा देता हूँ बाकी में। ओके, और एक यहाँ पर और लगेगा, ठीक है। चलो ये हो चुका है यहाँ पर फ्रंट गेट कंप्लीट, और ये करते हैं इसमें 4 प्लैंक्स और लगेंगे। ओके, तो चलो फाइनली ये भी हो चुका है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और अभी पीछे की साइड में करते हैं, एक काम करता हूँ मैं ना अपनी गाड़ी वहीं पर लेकर चलता हूँ। बारी बारी मुझे आगे आना पड़ेगा। ओके, अपनी गाड़ी वहीं पर लेकर चलते हैं। यार ये मेटल की प्लेट और रख लेता मैं, यहीं पर इसको रोकते हैं, ठीक है। अभी फटाफट से सारे प्लैंक्स मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके, और एक यहाँ पर और लगेगा, एक और उठाओ यहाँ पर फटाफट से, ये लगाया मैंने यहाँ पे। 3 मेटल लगेगा इसमें और 8 या फिर हाँ 12 प्लैंक्स इसमें इस वाले गेट में लगेंगे, ठीक है। और एक स्टोक और उठा लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी लगाते हैं फटाफट से, ठीक है। ये भी हो चुका है कम्प्लीट, बस इसमें मेटल लगने वाला है। 4 मेटल ऐसे इसमें पड़े हुए होंगे, वैसे 6 मेटल दे ऐसे, हाँ 2 मेटल इसमें और बचे हुए हैं। तो जो साइड का गेट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे मेटल अपने साइड से गैराज में पड़े हुए हैं मेटल, ठीक है, ये तो हो चुका है कंप्लीट। और इसमें 2 मेटल और लगने हैं, तो गैराज में साइड से पड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बान सेल बनाया जाए, क्योंकि मेटल तो मैं बाद में भी लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं फटाफट से बान सेल, निकालते हैं फटाफट से अपनी बुक, और बान सेल शायद से इस वाले में ही है, हाँ लास्ट में है, ठीक है। तो ये रहे बान सेल, और यहाँ पर बनाते हैं पूरे में इसमें बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी गायें आने वाली है, और एक में शायद से हम 2 गायें रखेंगे या फिर एक ही गायें रखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ये बान सेल हो जाएंगे, ठीक है। एक साइड में कम से कम ये 10 तो हो चुके हैं, एक बार ही चेक करके देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है क्या ये? मैं तो यार 10 सोच रहा था, तो यहाँ पर 11, 12 हो चुके हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ शायद से 10 ही है यार। यार मैं अभी यहाँ पर 2-4 फालतू ही गिन लिए, ठीक है। तो अभी इधर की साइड में स्टार्ट करते हैं बनाने। ओके, एक ये लगाया और यहाँ पे फाइनली ये भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे भी लग सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, इधर की साइड में नहीं लगेंगे। और इसमें प्लैंक्स यहाँ पर मेटल भी लगने वाला है, 10 इसमें मेटल लगेगा और 20 यहाँ पर प्लैंक लगेंगे। तो भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारा मेटल भी लगने वाला है, मैं तो सिर्फ प्लैंक सोच रहा था कि प्लैंक्स लग जाएंगे। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा? ऐसे घूमेगा तो मैं मार मोड़ दूंगा, खामा खाकी गया ये तो। अभी फटाफट से यहाँ पर प्लैंक्स लगा दे और मेटल भी लेकर आना पड़ेगा साइज से मुझे, क्योंकि अपने पास इतना मेटल तो नहीं है कि हम यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो अभी फटाफट से यहाँ पर करते हैं काम कंप्लीट। वैसे प्लैंक्स तो अपने पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो प्लैंक्स की तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली, बस मेटल की यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी होने वाली है।
ओके तो चलो मैंने गाइस यहाँ पर सारे बान हाउस कंप्लीट कर दिए है, बस थोड़े बहुत ये बचे हैं तो मैं इनमें भी लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लगने वाले हैं एक इसमें और एक इसमें। चलो ये सारे बान सेल कंप्लीट हो चुके हैं और भाई साहब इनमें दो गायें तो आराम से आ जाएगी। वैसे दो गायें नहीं, यहाँ पर एक गाय रखेंगे, एक इसमें और एक यहाँ पे। सब में हम एक एक गाय रखने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक भी बैल नहीं रखेंगे क्योंकि यार उससे ना गाँव की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे करके मुझे यहाँ पर पहले खाने पानी के फिल्टर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर गाँव लेकर आने वाला हूँ, वरना यार बेकार में अपनी गाँव यहाँ पर मर जाएगी। तो अभी मैं फटाफट से सब में यहाँ पर खाने पानी के फिल्टर बना देता हूँ और मुझे यार एक वो खाने की टंकी और पानी की टंकी भी बनानी पड़ेगी ताकि यहाँ पर खाना पानी भी ऑटोमेटिक आता रहे। और फटाफट से बनाते हैं ये खाने पानी के फिल्टर। ओके गाइस तो मैंने यहाँ पे सारी गाँव ला के रख दी है और देखो यार मैंने एक एक यहाँ पर बांध सेल में एक एक गाँव ला के रख दिया है जो कि यहाँ पर मस्त आराम से खाना पानी खा रही है। और कुछ गाय यहाँ पर मैंने बाहर भी छोड़ दिया है क्योंकि यार थोड़ी बहुत काँव यहाँ पर बाहर भी होनी चाहिए। तो यार इतनी सारी मैंने काँव लाकर इसमें रख दिया है, फिर भी यहाँ पर देखो काफी सारी गायें यहाँ पर भी अभी बची हुई है। भाई साहब अंदर तो और भी ज्यादा यहाँ पर गायें होने वाली है, एक बार अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने इतना सारा डब्बों में इनका बीफ यहाँ पर पैक करके रखा हुआ है। भाई साहब इतना सारा बीफ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और अंदर देखो भाई यहाँ पर भी काफ़ी सारी गायें हैं। और इस वाले में भी ये सारी अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि मैंने उस वाले बान हाउस को सिर्फ गाय के लिए बनाया था और ये वाले में हम गायें रखेंगे या फिर इसको मैं फैक्ट्री वगैरह बना दूंगा। देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारी गायें हैं, तुम आराम से मस्त अब घूमो यहाँ पर। और एक काम करते हैं फटाफट से निकालो बंदूक और जितने भी यहाँ पर बैल है ना उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इनसे इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हटाओ पहले तो, ठीक है। और एक ये रहा, ओके। और भी है क्या कोई? हाँ ठीक है ये रहा, तेरी ऐसी की तैसी, एक मिनट रुक, गया ये भी। और एक ये रहा, गया ये भी, ठीक है। और एक ये रहा, भाई क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? गया, चल ठीक है, अंदर तो नहीं है। चलो यहाँ पर मैंने सारे ख़त्म कर दिए है। और भी है क्या इस वाले कमरे में? तो नहीं है। हाँ ये रहा एक, एक तो ये रहा, ठीक है। और एक ये रहा, वहाँ पे उधर चला गया, तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल। चलो यहाँ पर ये सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। और भी बचा है क्या कोई? नहीं, चलो और कोई नहीं बचा है तो फटाफट से मैं स्किन कर देता हूँ। और यहाँ पर एक काम करते हैं यार, मैंने इन पे पेंट नहीं किया है तो यहाँ पर मैं पेंट कर देता हूँ। वैसे मेरे पास कलर तो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। ओके चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यार अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, व्हाइट और ब्लैक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन सब बन गया है। और अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको तो रखते हैं कलर को अपने यहाँ पे, और एक बार मैं अपने हॉर्स को भी देख लेता हूँ भाई उसका क्या ही हालचाल चल रहा है। ये तो आराम से मस्त खा पी रहा है, मौज कर रहा है आराम से। भाई मेरे हॉर्स को कोई कुछ नहीं कहेगा। एक काम करते हैं, इसको मैं उसमें रख दूँ या फिर वैसे अभी इसमें ही रहने देते हैं क्योंकि मैं हॉर्स का एक मस्त अलग से यहाँ पर बनाने वाला हूँ। भाई कितना गंदा ग्लिच हो रहा है यहाँ पे, भाई साहब कितना गंदा लैग कर रहा है, इतनी सारी मुर्गी हो। हेलो यार कितनी सारी मुर्गी हो चुकी है। अभी देखो ये कैसे भागने वाली है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मारू क्या? वे खैर छोड़ो यार, क्यों मारता हूँ मैं इनको। अंडे देखो भाई साहब कितने सारे अंडे फूट गए यहाँ पे। देखो यार कितने सारे अंडे यहाँ पर हो चुके हैं। जब से मैंने एक चिकन कूप बनाया मैंने इनको कलेक्ट ही नहीं किया है। काफ़ी सारे अंडे हो चुके हैं और काफ़ी सारी मुर्गियों की तादाद हो चुकी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको निपटाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। और ये कैसे यहाँ पर झुंड बना के बैठे हुए हैं? हेलो अबे हटो यहाँ से, सारी की सारी यहाँ पर झुंड बना के बैठी हुई है। ओके तो ये तो यार बकेट भी फुल हो चुके हैं, 30 ही अंडे आते हैं यार इसमें। पहले सही था यार, पहले काफ़ी ज़्यादा अंडे आ जाते थे। अंडों की भाई काफ़ी सारी यहाँ पर तादाद हो चुकी है तो एक बार मैं ये फुल कर देता हूँ, ठीक है। खाना पानी इनका फुल रहना चाहिए। और यार अगले वाले एपिसोड में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे कि हम अपना जो मीट बॉल वगैरह का काम है उसको कैसे बना सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि हम करेंगे वो काम करेंगे लेकिन कर नहीं रहा हूँ। तो अगले वाले एपिसोड में हम उसको चालू करेंगे, देखेंगे कि आखिर उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो गाइस आज के इस वाले एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।